आज तक आपने सिर्फ इंसानों को ही फ्लैट में रहते हुए देखा या सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पक्षियों के लिए बनाए गए फ्लैट को। जी हाँ, हम आपको एक ऐसा फ्लैट दिखाने जा रहे हैं जहाँ पक्षी रहने वाले हैं। देखने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है युक्तम रिगवानी और आप इस समय इनसाइड भारत टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल तस्वीरों में दिख रही ये 6 मंजिला इमारत अब पक्षियों का नया आशियाना है। जी हाँ, यूपी के अलीगढ़ जिले में पक्षियों के लिए 6 मंजिला इमारत में 512 फ्लैट का आशियाना बनकर तैयार हो चुका है। इसकी क्या क्या खासियतें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अपने शहरों में तमाम बड़ी बड़ी इमारतें फ्लैट के रूप में देखी होंगी, ऐसी इमारतें जिसको लोग कारोबार के रूप में तैयार करते हैं, इसके बाद उन्हें सेल आउट कर दिया जाता है। मगर अलीगढ़ में बनी 6 मंजिला इमारत को देखकर हर कोई खुश हो जाता है, जिसकी कहानी सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। पहले आपको बताती हूँ कि इस टावर को बनाने की सर्वश्रेष्ठ पहल आखिर की किसने है। दुमेड़ी गांव के देवकीनंद शर्मा राम निवास शर्मा ने परिवार के सहयोग से नवंबर 2021 में यह इमारत अपने रहने के लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप की याद में पक्षियों के रहने के लिए बेहद खूबसूरत टावर के रूप में बनवाई थी। आसमान में बेघर उड़ रहे पक्षियों के लिए परिवार के सभी लोगों ने एक पक्षी घर बनाए जाने का संकल्प ले लिया। इसके लिए उन्होंने राजस्थान के कुशल कारीगरों से संपर्क किया। कारीगरों के सलाह मशवरा के बाद अपनी ज़मीन पर माता पिता की पुण्य स्मृति में पक्षी घर नाम वाला 512 फ्लैट वाले 6 मंजिला टावर का निर्माण कराया। इस टावर पर करीब 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं। फ्लैट का निर्माण इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक मौसम में पक्षियों की सुरक्षा के लिए अनुकूल होगा। पर्यावरण प्रेमी पक्षियों का जीवन बचाने की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। इस टावर को बनाने वाले देवकी नंदन शर्मा का कहना है कि वे अपने माता पिता स्वर्गीय द्वारका प्रसाद व स्वर्गीय शांति देवी की पुण्य स्मृति में कुछ अच्छा कार्य करने की ठानी थी। इसी बीच उनके ध्यान में आया कि उनका एक बहुत बड़ा आम और अमरूद का बाग था जो काटा जा चुका है, लेकिन उस बाग में निवास करने तमाम तरीके के पक्षी अब बेघर हो चुके हैं। पर्यावरण को देखते हुए पक्षियों की घटती संख्या पर भी उन्होंने चिंता होने लगी थी। इसी बीच उन्होंने अनूठी पहल करने की ठान ली। पक्षियों के लिए आपको ये पहल कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिए इनसाइड भारत टीवी के साथ।